तव दीना माधव मन सिज बिसिख भया दिव भावन या त्वई लीना। महाराज प्रिया जी यदि रात्रि में शयन करते करते चंद्रमा दिख गई तो चंद्रमा को गाली देने लगती। गोपियां यदि इनके विरहों विरह के आग को शांत करने के लिए चंदन लगाती हैं तो चंदन की गाली देने लगे। चंदन एक कठोर आग कहाँ से लाए। ऐसी स्थिति श्री गौर को हो गया है। वो चिंता जागरण उद्वेग कृशता मलिन अंगता प्रलाप व्याधि उन्माद मोह और मृत्यु ये दस दशा महाप्रभु के हृदय में आ गया है। यही दस दशा प्रभु व्याकुल रात्रि दिन रात दिन महाप्रभु की महाराज यह स्थिति है। रामानंद राय श्लोक पढ़ते लगे। जब महाप्रभु की ऐसी विरहोन्माद होता था विरह में उन्माद में जब तड़पने लगते रोने लगते तो महाराज उसी समय स्वरूप दामोदर और राय रामानंद दोनों मिल करके गीत गोविंद और विद्यापति ये दो गीतों को गा करके महाप्रभु के विरह की आग को ठंडा करते। देखिए सखी मंदिरियों का यही काम है। प्रिया जी का जब विरह चढ़ता है तो इस समय सखी मंजरियाँ शांत करती हैं। वही यहाँ पर स्वरूप दामोदर राय रामानंद मिल करके दो चीज गा रहे हैं। माधव की कहब से विपरीत प्रिया जी का रूप का वर्णन। प्रिया जी श्री कृष्ण के विरह में कैसी स्थिति हो गई है इस स्थिति का वर्णन करती है। कभी कभी गाली देने लगती हैं, कभी कभी हा प्राणनाथ हा जीवन सर्वस्व इस प्रकार कह करके अपने दोनों हाथ को उठा करके आकाश की तरफ खड़ी होकर के बादल को आलिंगन करने के लिए चल देती हैं। श्याम सुंदर आ गए। कभी कभी गाली दे करके भगाती हैं। रजनी जनित गुरु जागर राग कसायत मलसन मेसम बहति नयन मनुराग विवस्फुट मुदित रसाभिनिवेशम हरि हरि आही माधव आही केशव माबद कैतव बादम तामनुसर सर शिरोह लोचन या तव हरति विषाद। कभी कभी प्रिया जी गेट के दरवाजा पर खड़ी होकर के श्याम सुंदर को गाली देकर भगाती हैं। अरे ललता इसको भगाओ यहाँ से, अभी अभी देखो इसके शरीर पर रति चिन्ह न जाने कहाँ से लेकर के आया है। महाराज कभी प्रलाप हो रहा है, कभी उन्माद हो रहा है, कभी चिंता है, कभी जागरण है, कभी कृशता है, कभी छीण अंग हो गया। ऐसी स्थिति में प्रिया जी की स्थिति हो गया महाप्रभु के शरीर पर। एत कई महाप्रभु मौन करिला रामानंद राय श्लोक पढ़ते लगेगा। चैतन्य महाप्रभु महाराज उन्माद की स्थिति में हो गए हैं। महाप्रभु के उन्माद को शांत करने के लिए स्वरूप दामोदर श्लोक पढ़ने लगे। स्वरूप गोसाई करे कृष्ण लीला गान आ दुई जन कैल किशु प्रभु बाह्य ज्ञान। ये दोनों महापुरुष महाप्रभु को ललिता और विशाखा दोनों मिल करके महाप्रभु के उस विरहोन्माद को शांत कर रहे हैं। यही मौत अर्धरात्रि कोयला निर्वाह और भीतर प्रकोष्ठ प्रभु की कराई दो स्वयं। अब देखिए अब दूसरा लीला प्रकट हो गया, इसको कलम करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। पंडित पावन श्री हरिनाम महाराज की उमति सुधारणी श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री कलयुग पावनावतारी श्री गौरांग महाप्रभु की श्री गंभीरानाथ की श्री स्वरूप दामोदर की श्री राय रामानंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि वो। Thank you.